तुम ठीक हो ना? वहां से बाहर आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी, कमरे से बाहर निकलते समय मुझे वहां किसी मठ वाले ने देख लिया था, पर सही समय पर रोहन मुझे वहां से बचा कर ले आए। थैंक्स रोहन। राधिका, हम बच गए। वो तो सही समय पर राधिका का उपाय सूझा, वरना हम तीनों पकड़े जाते। बाहर से दरवाजा बंद और हम तीनों अंदर। दरवाजा बाहर से बंद कौन किए रहा? और कौन दाई? महेश्वरी देवी। देव, मैं वही बोल रहा हूं जो आपको सुनाई दे रहा है। सबसे पहले आपने जूस में नशीली दवाइयां मिला दी, उसके बाद जिस रास्ते से राधिका अंदर आने वाली थी आपने वो रास्ता बंद करवा दिया, और फिर कैसे भी करके जब राधिका अंदर आ गई तो आपने वो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि हम लोग बाहर जा ही ना पाए, और सुबह होते ही मठाधीश हम तीनों को पकड़े और सब लोगों को सब कुछ सच पता चले। तो क्या कह रहे हो? मैंने जूस में नशे की दवाई नहीं मिलाई। मैं क्यों राधिका को अंदर जाने से रोकूंगी? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच। आपको इस घर में रोककर हमसे गलती हुई। जितना आपको सहन करते आ रहे हैं आप उतनी ही नीच हरकतें करती आ रहे हैं। ये मत भूलो कि तुम अपनी जेठानी से बात कर रही हो। नहीं, मैं उस औरत से बात कर रही हूं जिसने हमेशा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस परिवार की खुशियों की बलि चढ़ाई। जब महाजोत जलाते समय राधिका को पकड़वाने में आप नाकामयाब रही, तो ऐसी हरकतें करके मैं इस परिवार को बदनाम करना चाहती हूं। कि क्या हो गया तुम लोगों को? हा? हर बात का इल्जाम मुझ पर ही लगाया जा रहा है। अरे कोई और भी तो कर सकता है, किसी और की तरफ उंगली क्यों नहीं उठ रही है? जो भी गलत होगा सब मैंने ही किया है। हमारे इस नाटक से किसी को कोई एतराज नहीं है बड़ी माँ, सिवाय आपके। उस दिन भी आपने मेरे और राधिका के एक साथ इस घर में रहने का विरोध किया। सबको सच बताने की धमकी दी थी। धमकी ही दी थी ना, किसी से कुछ कहा तो नहीं? चल रही हो तुम तो राज पुरोहित परिवार की भी नहीं हो। कुछ लोग पराए होकर भी अपने होते हैं बड़ी माँ, पर आप जैसे लोग अपने होकर भी सबसे ज्यादा पराए हैं। सही कह रही है बरखा। आपको और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें आशा थी कि आप सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं और ना ही होगा। इसलिए बेहतर यही होगा आप अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जाएं। Thank you.
और तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? ये राजपुरोहित का घर है, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। देव, तुम्हें यह निर्णय लेने का पूरा हक है, लेकिन एक बात बताओ, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले ये बात साबित नहीं होनी चाहिए कि गलती उसी ने की है? अगर किसी ने गलती ना की हो, ये साबित ना हो, तो उसे घर से निकाल देना, क्या ये राजपुरोहित को शोभा देता है? जिस तरह से मेरी बेगुनाही का सबूत मेरे पास नहीं है, ठीक उसी तरह आप सबके पास भी मुझे गुनाहगार कहने का सबूत नहीं है। मैं एक बार सच और बोल सकती हूँ समाज के सामने कि तुम्हारी शादी राधिका से हुई है और बर्खा से नहीं। राजपुरोहिताइन जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। और पद्मा, बेहतर ये होगा कि मुझे मेरे घर से जाने के लिए ना कहा जाए। बड़की बहू बहुत खतरनाक होए जा रही है लालन। तो कुछ संभल के रहना पड़ेगा। दाई मां, बेहतर होगा कि ये इस घर में रहे। अगर बाहर रहेंगे तो पता नहीं क्या बवाल खड़ा करें। बस इसके बाद अगर देव की जिंदगी में कोई होगा सिर्फ मैं। अच्छा, मैं रखती हूँ। क्या हुआ? कहाँ खो गया? अरे पर क्या? पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अरे पर क्या मिल नहीं रही है? मिल ही नहीं रही। अरे पर क्या मिल नहीं रहा? आपकी मुस्कुराहट। अरे मिल गई। से परेशान मत हुआ कीजिए, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वहां मुश्किलें आएंगी ही, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का साथ देते हुए उन मुश्किलों का सामना करना है। ये लीजिए नींबू पानी, इससे आपका सरदर्द कम हो जाएगा। पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे सर दर्द है? मैं आपकी पत्नी हूँ, बिना कहे आपकी हर बात जान लेती। लीजिए लीजिए।
कल रात जो आपने बेहोशी की दवाई पी है उससे आपको आराम मिलेगा। तुम्हें मेरी परेशानी भी पता होती और उसका हल। इसीलिए तो एक पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। कल का हम दोनों को कितनी बेसब्री से इंतजार था। क्या सोचा था और मुझे तो आपको सोते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा था। आप जानते हैं आप बहुत जोर जोर के खराटे लेते हैं। मैं नहीं, नहीं, कोई नहीं सकता। सच कह रही हो? आपको खुद कैसे पता हो? अरे पर इसका मतलब तो मुझे तो तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हें मेरे खराटे सुनने पड़ेंगे और जिंदगी भर की माफी के लिए। मुझे तुम्हारी आंखों से नींदें चुरा, पर खरांटों से नहीं, बल्कि तुम्हारे पलकों पर मीठे मीठे सपने सजा। धूप धुल जाएगी दूरियों की, प्रेम की ऐसी बरसात होगी। रह गई है जो आधी अधूरी, हाँ पूरी वो हर बात होगी। मन को समझाऊं, मन समझाए मोहे, प्रीत ने प्रीतम मान लिया तो है। कोई तो है विराट, कोई तो है जो मेरे साथ ये खेल खेल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया और फिर भी सारा इल्जाम मुझ पर ही आ रहा है। मानती हूँ कि बाहर से कमरा मैंने ही बंद किया था, लेकिन महाजोत के समय मठाधीश को किसने खबर की? मैंने नहीं की, और फिर जूस में दवाई मैंने नहीं मिलाई, और तो और राधिका के अंदर आने का दरवाजा मैं क्यों बंद करूंगी? मुझे क्या फायदा होगा? कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है और सारा इल्जाम मुझ पर आ रहा है। कौन हो सकता है? कहीं रोहन तो नहीं? अरे रोहन क्यों करेगा, रोहन का क्या फायदा होगा? अगर देव और राधिका की सच्चाई सामने आ जाती है तो देव तो राधिका का ही साथ देगा राजपुरोहित को ठुकरा कर, इससे रोहन को क्या हासिल होगा? फिर किस पे शक है आप? तो ये व्यक्ति कोई घर का ही इंसान और कौन है ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है? मैंने देव को पा ही लिया था। हेलो, पूरा प्लान बेकार हो गया, मगर आप बेफिक्र रहिए, कल रात कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे बस एक मौके की तलाश है,
मेरे होते हुए देव और राधिका कभी एक नहीं हो पाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। बस इसके बाद अगर देव की जिंदगी में कोई होगा तो सिर्फ मैं। अच्छा मैं रखती हूँ। जानना चाहती कि घर का वो कौन सा इंसान है जो चाले चलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सोचा तुमसे शुरुआत करती, इसीलिए मैं इस कमरे में आई और यहां तो मुझे कुछ और ही पता चला। सारा का सारा खेल तुम खेल रही हो और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। हाँ मैं थी तो ये कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध क्योंकि तुम्हारा भांडा तुम्हें फोड़ी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ओए हेलो, मैंने सही मुहावरा बोल दिया। मैं कितनी समझदार हो गई हूं ना। थोड़ी समझदारी मैं आपके साथ ही बांटना चाहती हूँ। आपने बचपन में वो कहानी सुनी है, वो भेड़िया आया नहीं सुनी? कोई बात नहीं, मैं आपको सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में एक बहुत ही शरारती लड़का था। उसे दूसरों को तंग करने में बड़ा मजा आता था। वो चिल्लाता था, भेड़िया आया, और सारे गांव वाले लाठी और डंडे लेकर उसकी मदद के लिए आते थे और वो हंसता था, कहता था, बुद्धू बना आया, चरखा चला आया। लेकिन एक बार सच में एक भेड़िया आ गया और वो चिल्लाने लगा, भेड़िया आया। पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया क्योंकि सब समझते थे कि वो उन्हें बुद्धू समझता है। तो वो भेड़िया वो लड़के को खा गया। आप इतना नाटक कर चुकी है ना महेश्वरी देवी कि कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आप चिल्लाती रह जाएगी और भेड़िया आपको खा जाएगा। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप घर के कामों में अपने आप को बिजी रखें और मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश ना करें क्योंकि राधिका, देव, छोटी माँ ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आपको घर का दरवाजा दिखा देंगे। समझिए आप?
भेड़ की खाल में ये भेड़िया मुझे मात दे गए। पर बरखा रानी, तुम भी एक बात याद रखो, महेश्वरी को भेड़िए का शिकार करना आता है।